This call is now being recorded. So, good afternoon all. For today's NSS lecture, we'll be studying about fluorimetry. So, we'll be studying about this fluorimetry for the analysis of some fluorescent compound. I have told you what are the fluorescent compound. A typical example of to quantify any compound from fluorimetry is your losartan. I have given an example of losartan also in your previous class, and losartan is a fluorescent molecule. When you put a radiation, or you if you put a EMB, electromagnetic radiation, if you put on it a losartan molecule, it will go to the excited state, and later on it will give the fluorescence from it, and that can be used to quantify, or you can say that could be used to analyze that particular compound. Okay, so with that note, we'll start this fluorimetry. हम लोगों को मैंने आपको पहले भी बताया इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि इंस्ट्रूमेंट की क्या खासियत है. Fluorimetry is nothing but an instrument which detects the radiation which is emitted by an excited molecule. If we are talking about the pharmaceutical sciences, that could be your drug or API, or you can say your any formulation from where the drug release has happened. Okay, so the scope of this particular lecture will be like हम क्या-क्या इसमें सीखेंगे इसके अंदर. पहला तो हम देखेंगे कि concept क्या है luminescence का, fluorescence का and phosphorescence का. क्योंकि जो फ्लोरीमेट्री होती है, अल्टीमेटली जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ये है कि किसी भी एक कंपाउंड के ऊपर अगर आप लाइट डालते हो, तब उसके इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जब वो वापस अपने स्टेबल मॉलिक्यूल पे आते हैं, स्टेबल स्टेट पे आते हैं, इट विल लीड टू द इट विल रेडिएट दे विल रेडिएट यू कैन से द रेडिएशन, एंड दैट रेडिएशन कुड बी यूजफुल टू क्वांटिफाई that particular API. Okay, so after that we'll be studying about the theory of fluorescence and phosphorescence, fundamental knowledge of fluorescence and phosphorescence. सबसे important है factor affecting fluorescent intensity. कौन कौन से ऐसे factors हैं जो fluorescence को intensity को affect करते हैं, internal और external दोनों factors depend करते हैं. Basic concept of quenching, ये बहुत important topic है बच्चों. Quenching ये 100% एग्जाम में आता है. क्विंचिंग, क्विंचिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण क्या होता है, किसी भी एपीआई कंपाउंड की जो रेडिएशन है, जो फ्लोरेसेंस दे रहा है, वो अफेक्ट हो जाती है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्विंचिंग, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्विंचिंग्स हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस विल बी स्टडिंग. फाइनली विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना सारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की आपको कंप्लीट नॉलेज होगी. देन फाइनली द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोरीमेट्री, आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ द एप्लीकेशंस, लाइक इट विल बी यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव पर्पस. ओके, सो कमिंग टू द ल्यूमिनेसेंस, द ल्यूमिनेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस. आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनेसेंस, दैट्स योर बायोल्यूमिनेसेंस. यू कैन से जुगनू, जो फायरफ्लाई होती है, जो आप जंगल में देखते हो या फिर कहीं गाँव में जाओगे तो आपको दिखाई देगा फायरफ्लाई. इट्स अवेलेबल थ्रू आउट योर साउथ एशिया, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, और मतलब मानसून है, बरसात है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर ही आपको फायरफ्लाइज दिख जाते हैं, तो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं. बट हम लोग फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या देखना है, ल्यूमिनेसेंस इज एन एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस. इट अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट एंड यूजेस इट एक्सेस एनर्जी एज एन फोटॉन. ये कैसे होता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर आप लाइट डालते हो तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, एंड फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय लूजिंग सम ऑफ द फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड दैट पर्टिकुलर फोटोन और एनर्जी विच इज कमिंग आउट फ्रॉम योर मॉलिक्यूल ऑन विच यू हैव गिव द रेडिएशन और ईएमबी, दैट कुड बी यूजफुल फॉर योर फार्मास्यूटिकल पर्पस. So it is of three types, that's your fluorescence spectroscopy, then your phosphorescence spectroscopy, and finally is your chemiluminescence spectroscopy. First one we'll be talking about, that is your fluorescence spectroscopy, or fluorescence bol lijiye. Fluorescence bachcho ek phenomena hai, ek scientific principle hai, aur spectroscopy machine hai. Pehle science ko samjhenge, fir science ke baad hum uske instrument pe jayenge. To fluorescence jo hai ek scientific principle hai, theek hai, ये कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं. इसके इस प्रिंसिपल को यूज करके मशीन डेवलप करी गई.
So when a beam of light incidents on a certain substance, they emit visible light or radiation. This is known as fluorescence. अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर आप लाइट इंसिडेंस करते हो तो वो क्या करते हैं, विजिबल लाइट को एमिट करते हैं. क्या करते हैं बच्चों, लाइट को एमिट करते हैं और उस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस. सबसे अच्छा एग्जांपल वो आपका रेडियम है. आप लोगों ने रेडियम को देखा होगा. मैं आपको जैसे किसी घर में जाओ, छोटे बच्चे हो तो देखना उनके सीलिंग के ऊपर ये बच्चे कभी स्टिकर लगा के रहते हैं, या फिर आपकी गाड़ी के पीछे रेडियम होते हैं जो रात में चमकते हैं. वो क्या होता है, उस पर लाइट आती है और वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट कट ऑफ हो जाती है, अगेन वो रेडिएट करता ही रहता है. ठीक है, तो फ्लोरोसेंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड सून एज स्टॉप्स व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज कट ऑफ. फ्लोरोसेंस को हमेशा याद रखना, जब लाइट पड़ती है तब वो चमकता है, लाइट जैसे कट ऑफ करोगे वो चमकना बंद हो जाता है. द सब्सटेंस शोइंग दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट सब्सटेंस. इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो ये कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस. जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, जो कंपाउंड रेडियो एक्टिविटी या रेडियो रेडिएशन एमिट करता है, पर उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है. जैसे आपके यूरेनियम है, प्लूटोनियम है ना, तो वैसे ही जो कंपाउंड फ्लोरोसेंस दिखाता है उसको फ्लोरोसेंट सब्सटेंस बोलते हैं. देन कमिंग टू द फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फ्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर. एक फ्लोरीमेट्री एक साइंस है, एक तरीका है, एक एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारी जो लाइट जो इमिट होके आई है, फ्लोरोसेंस होके आया है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं. ठीक है, देन आता है फर्स्ट फ्लोरोसेंस. फर्स्ट फ्लोरोसेंस व्हेन अ लाइट इंसिडेंट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सब्सटेंस, दे एमिट लाइट कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर द इंसिडेंस लाइट इज कट ऑफ. तो फर्स्ट फ्लोरोसेंस वो ऐसा एक फिनोमिना है, या कह लीजिए एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर है. उसमें होता क्या है, किसी कंपाउंड के ऊपर अगर आप ये लाइट डालते हो या लाइट इंसिडेंट करते हो, और उस लाइट के डालने के बाद उसको लाइट के इंसिडेंट कर उसको आप कट कर दो, तब भी वो चमकता रहता है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट फ्लोरोसेंस. दिस टाइप ऑफ डिलेड फ्लोरोसेंस इज नोन एज फर्स्ट फ्लोरोसेंस. इन्हों कहा जाए तो डिलेड फ्लोरोसेंस जो होता है उसको फर्स्ट फ्लोरोसेंस कहते हैं. डिलेड मतलब और हाईलाइट कटने के बाद भी वो एमिट करता है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच. फ्लोरोसेंस क्या होता है, अगर किसी पे लाइट डाली और वो लाइट डालने के बाद उसको कट कर दिया लाइट के इंसिडेंस को, तो तभी वो सब जलना बंद हो जाएगा. फर्स्ट फ्लोरोसेंस में क्या होगा, इंसिडेंस लाइट डाली वो जलेगा, आपने लाइट कट ऑफ कर दिया बट स्टिल इट्स विल ग्लो अप. That signals the phenomenon of phosphorescence. The substance showing phosphorescence are phosphorescent substances. Simple sa hai. Jo compound ye phosphorescence dikhate hain usko phosphorescent substance kaha jata hai. Then coming to the theory of fluorescence and the phosphorescence. Kya theory hai? Bahut simple sa hai. Isko agar yun samjha jaye, sab logon ne padh rakha hai. Ground state pe agar kisi ko ground state pe electrons hain, agar uske upar light dalo to excited state pe jata hai. उसको अगर अपन समझना चाहे एनालिसिस की भाषा में, तो मॉलिक्यूल कंटेन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सबको पता है हर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट सिंगुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, द HO ion. ठीक है, इट इज द लीस्ट एनर्जी एंड द मोस्ट स्टेबल, मतलब स्टेबल ग्राउंड स्टेट पर बैठा हुआ है. When the molecule absorb radiation from a light source, the bonding electron may be promoted to an antibonding molecular orbit or lowest occupied unoccupied molecular orbit. Okay, it has a more energy and has less stable. अब बात करते हैं इसकी क्या थ्योरी चल रही है. तो क्या होता है जब कई HOMO से LUMO के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट करते हैं, तो ये HOMO से जब ये LUMO में आता है और LUMO से जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है, तब ये अपनी जो एनर्जी है वो यूज करता है, वही फ्लोरोसेंस कहलाया जाता है, फर्स्ट फ्लोरोसेंस कहलाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम HOMO टू द LUMO विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एन एक्साइटेशन. सबको पता है इसको एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं. द सिंगलेट स्टेट ए स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. डबलेट स्टेट ए स्टेट इन विच अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट और प्रेजेंट. ओके, and a triplet state in which unpaired electrons of the same spins are present, and a singlet excited state is a state in which the electrons are unpaired but on opposite spin like. सारी स्टेट्स पहले पढ़ रखी है. ग्राउंड स्टेट्स के अंदर दोनों का ये जो होता है जो स्पिन होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है. फिर एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसमें दोनों का
जो होता है ये दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, वहीं ट्रिपलेट स्टेट के अंदर इनका स्पिन जो होता है एक डायरेक्शन में होता है, तो इनके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर आते हैं थ्योरी ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड आर कॉल्ड सिंगलेट स्टेट। इन ए सिंगलेट स्टेट मॉलिक्यूल्स, इन ए सिंगल स्टेट मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन देयर ग्राउंड स्टेट्स आर पेयर। When such a molecule absorbs appropriate UV wavelength of UV visible radiation, one or more of paired electron rays to an excited state, single state, and excited triple state. तो आप लोगों को ये पता ही होगा Joplowski diagram, ये light है fluorescence, अगर आपने इसके ऊपर डाला light emitting at once source started and stop and the source stop, ठीक है। अब आता है फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस। ये जब्लोस्की का डायग्राम है, सब लोगों को पता ही होगा जब्लोस्की का एनर्जी डायग्राम, बहुत बार पढ़ा होगा 11th 12th में। ये ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ से आपने एनर्जी डाली, ये एनर्जी डाली, ये हायर स्टेट पे जाते हैं। वहाँ से जब नीचे आते हैं तो डिपेंड करता है, अगर ये स्टेट आ रहा है तो उसको फॉस्फोरोसेंस बोलेंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे गिर रहा है मतलब लाइट कट ऑफ हुई और सीधे नीचे आके गिर रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस। तो ये है कि डिले, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं डिले, ये डिले हुआ है, इसको कहते हैं डिले। क्या बोलते हैं बच्चों? This is known as delay. Delay. D-E-L-A-Y. Delay light हो रहा है। तो क्योंकि देखो इसने, अगर इसको मैं अगर एक प्लॉट और डालें, प्लॉट डालते हैं, अगर प्लॉट और डालते हैं तो ये जो डिले हो रहा है ना, ये टाइम के वजह से हो रहा है, टाइम वर्सेस आपका फ्लोरोसेंस। उसका फ्लोरोसेंस जो है ये बाद में ऐसे गिरता है, तो इसलिए हमको ये ग्राफ मिलता है, ठीक है। फिर आएगा फ्लोरोसेंस एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स। फ्लोरोसेंस जो होता है, सिंपल सा बोला जाए तो फ्लोरोसेंस केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, किस कंपाउंड में क्या है, उसके अंदर एरोमेटिसिटी कितनी है, उसका रिजिडिटी कितनी, उस पर डिपेंड करता है। फ्लोरोसेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड कंटेनिंग एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप विद लो एनर्जी। जनरली एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक क्यों है? सारे कंपाउंड एरोमेटिक है ना, क्यों है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमेस्टर्स के अंदर। सो मोस्ट अन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शोस फ्लोरोसेंस। जो अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ हुआ है। मोस्ट ऑफ द अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शोस फ्लोरोसेंस एंड द क्वान्टिटेटिव रेफ्लिकेशन इंक्रीजेज विद नंबर ऑफ रिंग्स एंड द डिग्री ऑफ कंडेंसेशन। सिंपल हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट फ्लोरोसेंस। तो ये सिंपल जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये फ्लोरोसेंस नहीं दिखाते हैं। द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड टू बेंजीन इंक्रीजेस द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। तो क्यूनेलिन जो होता है, क्यूनेलिन जो कंपाउंड है ये फ्लोरोसेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये बेंजीन के साथ कंडेंस और बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया होगा हाइड्रोसाइक्लिक के अंदर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया होगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आइसोक्विनोलिन भी है और इंडोल भी दिखाता है। इंडोल की तो डाइज आती हैं, इंडोल्स जनरली होते हैं, डाइज में यूज किए जाते हैं। और क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन तो आपको पता ही होगा, क्लोरोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्सीक्विनोलिन सब ये इसी से निकले हुए एंटी मलेरिया जितनी भी है। द फ्लोरोसेंस इज फेवर्ड इन द मॉलिक्यूल विद स्ट्रक्चर रिजिडिटी। ऑर्गेनिक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन इंक्रीजेस द फ्लोरोसेंस। ए चिलेटिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस हूज मॉलिक्यूल can form several bonds to a single ion, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं या गिराते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट है या तो उसको बढ़ा देगा या गिरा देगा। पहला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है, द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड, उसका आपने जो केमिकल सब्स्टिट्यूशन कराया है तो उसका क्या है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिपेंड करता है किसी की फ्लोरोसेंस के लिए। इसमें भी एक अप टू ए लिमिट तक फ्लोरोसेंस जो होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियर ग्राफ फॉलो करता है, बट लेटर ऑन वो पॉइंट छूने लग जाता है, मतलब गिर जाता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन इन द लाइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे, पीएच के ऊपर, टेम्परेचर एंड द विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट एंड द पाथ लेंथ. ये कितने फैक्टर जो है, 1, 2, 3, 4, 4 एंड 4, 8 एंड 10, टोटल 10 फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ना है जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, बात करते हैं पहला फैक्टर. ऑडिबल टू ऑल? यस सर. सो द फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी, फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ल्यूमिनेंस से. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो ल्यूमिनेसेंस है वो गिरता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ल्यूमिनेसेंस. अगर आप ऐसे अपने नोट्स में लिख लोगे तो याद रहेगा, जैसे वैसे कोर्स बना लिया करो. सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड फाइनली डिक्रीज इन फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. ज्यादा टकराव होने से लॉस ऑफ एनर्जी होता है. लॉस ऑफ एनर्जी से क्या होता है, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों के. Decrease in temperature causes decrease in the collision of molecule and finally increase in the fluorescence and the phosphorescence. लेकिन इसमें बच्चों क्लॉज है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर हिट होता है वो आपको नहीं पढ़ना है. क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जिसके अंदर ये उल्टा हो जाता है, वो आपको उतना डेप्थ में नहीं करना है. और ये याद रखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलेजन बढ़ता है, कोलेजन बढ़ता है तो उससे क्या होता है, इसका जो एनर्जी है वो लॉस होती है, और लॉस होने के कारण फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी गिरती है. वहीं टेम्परेचर जगह जहाँ कम होता है तो कोलेजन भी कम होता है, कोलेजन के कम होने के कारण क्या होता है, आपका फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस बढ़ता है. देन आता है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है. सो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ल्यूमिनेसेंस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लगाते हैं हम लोग. अब ये क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ल्यूमिनेसेंस बढ़ेगा. विस्कोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन ऐसे समझते हैं. आपके सामने एक हनी रखा हुआ है, हनी अगर शहद रखा हो, एक जगह आपने पानी रखा, एक शहद वाले के अंदर आपने फ्लोरोसेंस कंपाउंड डाला, वो भी आपका फ्लोरोसेंस है, और एक के पानी के अंदर फ्लोरोसेंस डाला. जैसे सपोज करो आपका ग्लोसाटन पानी में सॉल्युबल है, तो आप पानी में डालो एक जगह और एक को डालो आप हनी के अंदर. अब दोनों में लाइट इंसिडेंस है. हनी के अंदर क्या होगा, इसका जो ल्यूमिनेसेंस है, मतलब इसका जो ग्लोसाटन वो ज्यादा समय के लिए होता है, उसका यूजिंग. Increase in the viscosity causes decrease in the molecule, decrease in the molecule collision and finally increase in जितना ज़्यादा विस्कस रहेगा एक दूसरे से भिड़ नहीं पाएंगे. पानी में तो घूम रहे हैं ऐसे आराम से जाके भिड़ लेंगे, लेकिन वही जो विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है हनी के केस में तो वो थोड़ा टकाड़ा है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से नहीं भिड़ पाते, तो उससे क्या होता है, इनका लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है. डिक्रीज इन द विस्कोसिटी कॉजेज इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर कोलिजंस एंड फाइनली डिक्रीज इन FNP is nothing but your fluorescent and phosphorescent. So short form में लिखा है. फिर आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे करता है, क्योंकि फ्लोरेसेंस जो होता है आपको अर्थ पे देखते हो फ्लोरेसेंस ऐसे नहीं है आपको अंतरिक्ष में मिलेगा, ऐसे नहीं, ये ऑक्सीजन में दिखता है. उसके कारण भी है, इट डिक्रीजेस द फ्लोरेसेंस इन द ट्यूब. ऑक्सीजन क्या करता है, फ्लोरेसेंस को गिराता है. ऑक्सीडाइज द फ्लोरेसेंस सब्सटेंस इन नॉन फ्लोरेसेंट. पहला तो ये करता है क्योंकि फ्लोरेसेंट कंपाउंड जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना कैसे लाइट पड़ते ही एक्साइट हो रहा है, हाई पे जा रहा है, फिर वो लाइट एमिट करते हुए फ्लोरेसेंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है उसमें. सिर्फ एक लाइट फैक्टर से ही एक्साइट हो रहा है, तो उसका ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन इसका फायदा उठाएगा. ऑक्सीजन फायदा उठाएगा तो क्या करेगा, फ्लोरेसेंट कंपाउंड को नॉन फ्लोरेसेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा. फर्स्ट तो डिक्रीज कर रहा है, एंड डिक्रीज फ्लोरेसेंस बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इट हैज ट्रिपल ग्राउंड स्टेट. ऑक्सीजन इसकी फ्लोरेसेंस भी गिराता है क्योंकि इसके ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट होता है. फिर आता है पीएच. इट इफेक्ट डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. एग्जांपल एनिलीन इन द न्यूट्रल एंड द अल्कलाइन मीडियम गिव विजिबल फ्लोरेसेंस एंड इन एसिडिक मीडिया गिव फ्लोरेसेंस इन द यूवी. एनिलीन जो है, एनिलीन एक कंपाउंड है, अगर आप उसको न्यूट्रल टू अल्कलाइन ले जा रहे हो तो 7 to 14 जो है यह हो गया आपका न्यूट्रल टू अल्कलाइन. तो अगर इस मीडिया के अंदर ये तो विजिबल फ्लोरोसेंस रखता है, मतलब आपको दिखाई देता है. नहीं, जो एसिडिक मीडियम में जो है एनिलीन देता है यूवी रीजन के अंदर, आपको
हैंडी देगा, यूवी देगा, रेडिएशन देखोगे तो स्किन खराब हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी। ये एसिडिक मीडियम में देता है क्योंकि पीएच पे डिपेंड करता है। द फिनॉल्स इन एसिडिक कंडीशन डू नॉट गिव फ्लोरेसेंस बट इन एल्काइन प्रिज्म दे गिव फ्लोरेसेंस। फिनॉल्स जो जनरली होते हैं बच्चों, फिनॉल्स को आजकल ये फ्लोरेसेंट स्टिक्स आती हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर्स होते हैं जो जंगल में जाते हैं और रात में नाइट की जरूरत पड़ती है तो ये जनरली फिनॉल्स को लेके जाते हैं। तो वो ऐसे डंडी तोड़ते हैं, उसमें एल्कलाइन मीडिया होता है, NaOH का वो रहता है सोल्यूशन, उसमें मिक्स होते ही फ्लोरेसेंस देने लगता है, वो जलता है। ठीक है, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। सेकंड ऑफ अनदर वन इज रिजिडिटी इन द स्ट्रक्चर। रिजिडिटी इन द स्ट्रक्चर्स में क्या है, फ्लोरीन हैज ए रिजिड स्ट्रक्चर एंड इट शोज मोर फ्लोरेसेंस। ठीक है, जो फ्लोरीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो रिजिड है, उसके कारण क्या है, इसके अंदर फ्लोरेसेंस ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा देखा जाए, अगर आप इसका 10 ग्राम लेते हो इस कंपाउंड का और उसको फ्लोरेसेंस कंपेयर करते हो, वहीं इसका 10 ग्राम लेते हो, इसका तो आपको कम मिलेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल है और इसका थोड़ा रिजिड है। ठीक है, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर दोनों को 10-10 ग्राम लेते हो, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी होनी चाहिए क्वान्टिटी की, तो अगर आप दोनों बराबर लेते हो तो बायफिनाइल्स होते हैं वो लेस फ्लोरेसेंट होते हैं, वेयर एज फ्लोरीन इज योर मोर फ्लोरेसेंट। द नेचर ऑफ द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक योर अमाइनो हाइड्रोक्सिल एक्सेट्रा कॉजेस इंक्रीज इन फ्लोरेसेंस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड है वो फ्लोरेसेंस बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बढ़ेगा, एक्स्ट्रा रेडिएशन आ रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर स्टेज पर जाएगा। सिंपल से याद करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या करेंगे, उस कंपाउंड के अंदर उसको ऑल इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे, जब बाहर से रेडिएशन आएगी उसको और अच्छे से एक्साइट करेगी और ज़्यादा करने के लिए फ्लोरेसेंस रहेगा। वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक योर NO2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स कॉजेस डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस, व्हाई, बिकॉज़ इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट। लाइट जो है इंसिडेंट, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट ऑन द सैंपल फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ऑल्सो, इतना ज़्यादा लाइट इंसिडेंट लाइट की बात डालोगे उतनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस बन के आती है। ठीक है, क्या लिखा है, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट ऑन द सैंपल फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, फिर आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल सोल्यूशन इन द कंटेनर में लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। Then photochemical deabsorption, decomposition, the absorption of intense radiation lead to photochemical decomposition of a fluorescent substance to a less fluorescent or non-fluorescent substance. फिर आता है quenching। अभी आपने 10 factors पढ़े, इसको आपको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उसको correlate करो तो आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं quenching, ये बहुत important topic है बच्चों, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्वेंचिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके डायरेक्ट क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। फ्लोरेसेंस में जब बात कर रहे हैं तो क्वेंचिंग के साथ में बात की ही जाती है। ठीक है, क्वेंचिंग क्या होती है, क्वेंचिंग का मतलब होता है उसका फ्लोरेसेंस का गिरना, अब वो कैसे गिरता है वो हम पढ़ेंगे। डिक्रीज इन द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ड्यू टू द स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं जिससे जो इनको फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी गिर जाती है, तो हमें वो पता करना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंचिंग। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, pH, प्रेशर ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा, किससे होता है, कॉन्सेंट्रेशन से होता है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो क्या होगा, कॉलिजन ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो क्वेंचिंग बढ़ेगी। देन द pH, प्रेशर ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, देन फॉलोड बाय टेम्परेचर एंड द विस्कोसिटी एक्सेट्रा, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंचिंग। क्वेंचिंग होती क्या है बच्चों, क्वेंचिंग जो होती है किसी भी कंपाउंड का जो फ्लोरेसेंस होता है, जैसे अगर आप कोई भी दवाई लेते हो तो दवाई की जो क्वान्टिफिकेशन जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो गिर जाती है। वो गिरती क्यों है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जो कितनी आपने मात्रा में उसको लिया, उस मात्रा में अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो उसकी जो एफिकेसी है वो गिर जाती है, आप उनको सही से एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग कैसी है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेंचिंग। फर्स्ट वन इज योर सेल्फ क्वेंचिंग, फॉलोड बाय केमिकल क्वेंचिंग, स्टैटिक क्वेंचिंग एंड द कोलिजन क्वेंचिंग। ठीक है,
तो कौन कौन सी क्वेंचिंग्स हैं? सेल्फ क्वेंचिंग, केमिकल क्वेंचिंग, स्टैटिक क्वेंचिंग एंड द कोलेजन क्वेंचिंग। फिर आते हैं, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ क्वेंचिंग क्या होता है। अगर आप देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ को, अगर आप कैलिब्रेशन कर्व बना रहे हो लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हीट नहीं करी है, तब क्या होगा? जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे फ्लोरोसेंस जो है बढ़ेगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने इसके कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा बढ़ा दिया, जो इसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन उससे ज्यादा बढ़ा दिया, तब क्या होगा? ग्राफ जो है गिरने की तरफ आता है, गिरता है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए, बिकॉज ऑफ दैट। अब क्या होगा बच्चों, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि उसकी जो क्वेंचिंग है, जो उसकी जो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी, वो क्वेंच कर जाएगी। इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी को क्वेंच करना। तो डेविएशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एट्रिब्यूटेड टू सेल्फ क्वेंचिंग और सेल्फ एब्जॉर्प्शन। आया समझ में? अरे ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? जब कॉन्सेंट्रेशन जो होती है किसी कंपाउंड की, अगर वो नॉर्मल लेवल पर है तो फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट वो क्या होता है, उसको गिरना होता है, क्योंकि वो क्या होता है, सेल्फ क्वेंच होती है। ठीक है, फिर आता है केमिकल क्वेंचिंग। केमिकल क्वेंचिंग क्या होता है? हियर डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक चेंज इन पीएच, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन हैलाइड्स एंड द हैवी मेटल्स। ठीक है, तो pH aniline at pH 5 to 13 give fluorescence, but pH less than 5 and greater than 13 do not exhibit fluorescence. तो aniline जो होता है, aniline कैसे affect हो रहा है? pH 5 से लेके 13 तक तो fluorescence दे रहा है, कहीं कम 5 से कम है या 13 से ज़्यादा है, तब ये कोई भी fluorescence नहीं exhibit करता है, क्योंकि pH dependent है। Halide, इसमें आपको examples याद रखने हैं। क्या करने हैं? Examples आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, या पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल से आपको कोट करना है। हैलाइड लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एंड द COOH एटसेट्रा लीड टू क्वेंचिंग। ठीक है, हैवी मेटल लीड टू क्वेंचिंग बिकॉज़ ऑन कोलिजन ऑफ ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट। ओके, फिर आएगा स्टैटिक क्वेंचिंग। दिस अकर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों होता है स्टैटिक? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण होता है। द कैफीन रिड्यूसेस फ्लोरोसेंस ऑफ राइबोफ्लोविन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Okay, then the collagen quenching, it reduces the fluorescence by collagen, where number of collagen increases, hence quenching take place. Okay, अब आएंगे instrumentation of fluorine. सबसे important है, अभी आपको मैंने introduction पढ़ा दिया, theory पढ़ा दी, theory के बाद मैंने अभी quenching के बारे में बताया, सबसे important practice के बारे में बताया। ठीक है, अब हम ये इसके बारे में जानेंगे, instrumentation of fluorine. अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो चार चीजें, जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर देखोगे उसमें चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या? पहला तो होता है लाइट सोर्स, यहां से आपकी लाइट आती है। फिर आएगा फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर, क्योंकि आपको वही लाइट भेजनी है सैंपल के सामने जो आपके काम की है। फिर आएगा सैंपल सेल, यहाँ पे आपने सैंपल रखते हो, फाइनल डिटेक्टर जो आपके रीडिंग आउट देता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों का आज? ओके, विद दिस विल डू वन थिंग, विल वाइंड अप द क्लास हियर ओनली एंड विल टेक अप दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लासेस। ओके, सो दिस मच इज सर, ये वाला स्लाइड एलएमएस पे नहीं है क्या? बेटा आई नीड टू चेक इट आउट वेदर इट्स देयर और नॉट, बिकॉज योर एलएमएस दैट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल। ओके, लेट मी चेक सर, अभी मैं चेक की थी तो नहीं है, तो आप अगर उस पे नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं क्या? बेटा मैं मैडम को दे दूंगा, मैडम चढ़ावा आ जाएगी। ठीक है, ग्रुप में मैं नहीं डालूंगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, बाय टुमारो यू विल हैव इट। ओके,
यस सर ओके आई विल गिव इट टू द मैडम एंड शी विल अपलोड ऑन द एलएमएस ओके लेट मी फिगर इट आउट सम अदर वेज कैसे होगा मैं नहीं होगा तो भिजवा देंगे ठीक है आई विल चेक इट आफ्टर 5 o'clock सो सर हाँ बोल बेटा सर वो क्वेंचिंग जो सर आप एक बार बताए थे एक बार प्लीज सर एक बार फिर से बता दीजिए देखो क्वेंचिंग होती क्या है क्वेंचिंग एक साइंटिफिक फिनोमिना है इसको अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तब सब समझ में आ जाएगा क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमिना है साइंस है इसके पीछे क्या होता है इसके अंदर वो जो सब्सटेंस जो है जो अपन को फ्लोरोसेंस दे रहा है वो चमक रहा है उसकी चमक कम हो जाती है ठीक है वो कैसे होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके एक होता है सेल्फ क्वेंचिंग या आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा रख दी तो क्या होगा एक दूसरे से भिड़ भिड़ के उसकी ऑटोमेटिक गिर जाती है फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी तो क्वेंचिंग इज नथिंग बट इसको अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले लिखा है ना डिक्रीज इन द फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने सैंपल रख रखा है या सैंपल जिसके अंदर है उसके कुछ स्पेशल कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके कारण इसकी फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी गिर जाती है आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ यस सर थैंक यू सर और ये चार तरह के होते हैं सेल्फ क्वेंचिंग केमिकल क्वेंचिंग स्टैटिक क्वेंचिंग एंड कोलिगेट इसके एग्जाम्पल्स याद करना हमेशा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट एग्जाम्पल्स कोई काम का नहीं है और ये मैं आपको बोल सकता हूँ ये 100% नहीं 200% एग्जाम में आने वाला सवाल है ये पूछा ही जाता है इसको तो हम कहीं से भी अंडरलाइन कर लो कुछ भी कर लो जो मन में है इसको पढ़ना ही है विद एग्जाम्पल्स ये जो एग्जाम्पल्स बनाए ना एनिलीन जो होता है 5 to 13 pH ये याद करना पड़ेगा इसमें यार मैं याद कराने में कोई हेल्प नहीं कर सकता 5 to 13 pH के बीच में एनिलीन फ्लोरेसेंस दिखाता है लेस देन 5 इट विल नॉट शो एंड मोर देन 13 इट विल नॉट शो हैलाइड्स जो होते हैं जिसमें ताकि क्लोराइड ब्रोमाइड सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है हेलोजन है ना हेलोजन करता क्या इलेक्ट्रॉन खींचता तो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है ना इसको ऑक्टेन कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा फ्लोरेसेंस वो बेचारे के पास वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा अब पहले इलेक्ट्रॉन खींच के बैठ गया तो ऊपर जाएगा ही नहीं तो फ्लोरेसेंस क्वेंच कर गया देख हर चीज को कोरिलेट कर एनालिसिस जो है कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है बस मैं इंस्ट्रूमेंट समझना होता है बाकी सारी बेसिक साइंस है अगर बेसिक साइंस तुम्हें आती है तो एनालिसिस तो तुम आराम से क्रैक कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक्स पता होना चाहिए अब जैसे यूवी विजिबल के अंदर EMW जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता है उसने पढ़ रखा है क्या होता है उसमें किस तरह से वो फोटोन्स ट्रेवल करते हैं किस तरह से इसके अंदर एनर्जी जाती है किस तरह से एक्साइटेड स्टेट आती है ग्राउंड से अगर आपको पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आप फटाफट उसको बना सकते हो ठीक है सारे कंपाउंड जितने भी डब्बे मैं तो डब्बा बोलता हूँ जितने भी एनालिटिकल डब्बे होते हैं उसके अंदर तीन चीजें होती हैं चार चीजें लाइट सोर्स फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर सैंपल होल्डर एंड द डिटेक्टर ये चार चीजों पे ही बनता है लैपटॉप मुझे बनाना है तो चार चीजें इंपॉर्टेंट क्या होगी या कंप्यूटर जो अपने डेस्कटॉप आते थे सबसे तीन या चार चीजें इंपॉर्टेंट क्या है एक तो स्क्रीन चाहिए मॉनिटर एक आपको मदरबोर्ड चाहिए एक आपको उसके लिए पावर बैकअप चाहिए और आपको बीच में कीबोर्ड माउस ये चार चीजें दो तो आप कंप्यूटर बना लोगे सेम इनके साथ है आप मुझे लाइट सोर्स दे दो आप मुझे फिल्टर मोनोक्रोमेटर दे दो आप मुझे सैंपल होल्डर दे दो आप मुझे डिटेक्टर दे दो ये आपका कंपाउंड बन गया आपका ये इंस्ट्रूमेंट बन गया तो सब कंपाउंड में चार ही चीजें इंपॉर्टेंट है HPLC में भी यही है HPLC में क्या है मेन तो फिर बस उसके लिए कॉलम आ जाता है जब पढ़ाऊंगा तब समझेंगे इसको सो विद दैट नोट विल डू वन थिंग विल बाइंड अप नाउ and we'll take up this particular lecture in the next upcoming classes so with that note I'll just wind up and I'll make sure that you brought you this slide by today by 5 o'clock okay I'll make sure that one. Okay guys so with that note I'll wind up the class now and we'll meet up in the next upcoming classes so bye bye take care thank you thank you sir thank you so much.